जिसके दिल में से सवाल आता है, जिसके अंदर ये भी आज भी कंफ्यूजन बना हुआ है कि आखिर मनीष कश्यप के किस मामले में इनसे लगा है, मनीष कश्यप का ऐसा कौन वीडियो था जिसको सरकार को लगा कि दो राज्य में दंगा फैलने की स्थिति हो सकती है, वो वीडियो बिहार के जनता को बता दिया जाए, उनका दोष बिहार के जनता को बता दिया जाए, ताकि जो बिहार की जनता आज कंफ्यूजन में है कि आखिर उन पे एनएस लगा क्यों है, ये जनता के सामने स्पष्ट हो जाए। तो हमने ये सवाल रखा था और इसका जवाब मांगने का प्रयास करे थे, हालांकि इसका जवाब मिला नहीं, लेकिन हमने लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, लोकतंत्र में सबका अधिकार है अपने शासक का विरोध करने का, और हमें लगता है इस प्रकार का जो महसूस करते अगल बगल के लोगों को या अन्य राज्य के लोगों को या अन्य जिला के लोगों को, जिस प्रकार से मनीष कश्यप के प्रति सहानुभूति और प्रेम दिखता है, वो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि आज भी बिहार की जनता मनीष कश्यप को अपने दिलों में बसाती है, बिहार की जनता इस बात का आज भी मानने को तैयार नहीं है कि मनीष कश्यप पर जो एनएस लगा है वो व्यक्ति एनएस लायक था, बिहार की जनता को आज भी लगता है कि उनको षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। तो हम बिहार की जनता को जगाने का प्रयास करेंगे, और लोकतंत्र में काला झंडा स्याही से एक ज्यादा विरोध होता है वोट का, तो हम प्रयास करेंगे जो मनीष कश्यप के चाहने वाले करोड़ों की संख्या में है, जो लोग है बिहार के अन्य जिलों में है, हम वहां तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। एक अभियान चलाया है, मनीष नहीं तो वोट नहीं, बिल्कुल, और जो जो मनीष कश्यप के चाहने वाले उनके घर पे एक पोस्टर रहेगा, मनीष नहीं तो वोट नहीं, और जो भी नेता उनके यहां वोट मांगने जाएंगे और जैसे ही उस पोस्टर को देखेंगे तो एक देश के अंदर और एक राज्य के अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा, और लोगों को यह आगाज कराएंगे कि अपना वोट का बहिष्कार कीजिए जब तक आपका चाहने वाला, जिसको आप चाहते थे, जो लगता था कि मेरे हक और अधिकार की बात करता है, जब तक आपको हक और अधिकार की बात करने वाला आपके समक्ष नहीं हो जाता है, तब तक आप विरोध प्रदर्शन कीजिए और इसका जवाब मांगिए। अगर मनीष कश्यप के एनएसए के ऊपर और मनीष कश्यप को जो जेल में डाला गया जिस जुर्म में, उस पर अगर सरकार कोई पहल करता है तो मैं उनको वोट दूंगा, मतलब जो मेरा बात करेगा मेरा वोट पे राज करेगा, मेरा एक नियम ये चल रहा है। जो अगवानी पुल था सुल्तानगंज और भागलपुर को, खगड़िया को जोड़ता है, वह पुल के लिए एक वर्ष पहले मनीष कश्यप कहते इसका स्टैंड सही नहीं है, इसका स्ट्रक्चर सही नहीं है और यह पुल गिरेगा, और सच में वह पुल गिरा। लेकिन मनीष कश्यप के कुछ अच्छे काम का जो मनीष कश्यप ने दिखाया, उसको हमारी सरकार ने कभी पहल करने का प्रयास नहीं किए, क्योंकि सरकार बार बार एक ही कंपनी को ठेका दे रहे थे, एसपी सिंगला कंपनी पे, उस पर जांच बैठना चाहिए था, उसके कामों पर जो एलिगेशन है उस पर जांच होना चाहिए था, और ऐसे कंपनियों को ठेका नहीं देना चाहिए था, लेकिन सरकार ने इस कदम एक भी पहल नहीं की है। और मनीष कश्यप के जो भी कुछ दो चार को बुराइयां हैं, जैसे मान लिया जाए कि मनीष कश्यप एक बात बोल दिए कि हम 180 दिन में सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, हो सकता है भाई आपसे बिहार की जनता उबेगा जब आप हम पे झूठा मुकदमे करेंगे और उससे हम मानसिक रूप से प्रताड़ित होंगे, आर्थिक रूप से परेशान में होंगे, परिवार में परेशान होगा, तो जाहिर सी बात है कि हम अंदर से एक सवाल आएगा कि हमने आपको वोट दिया, आपको हमने सत्ता पे बैठाया और आप हमारे हक अधिकार की बात न करते हुए और हमारा भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमको हक और अधिकार है कि मैं सरकार का विरोध करूंगा। और विरोध का मतलब ये नहीं कि हम पर एनएस लग जाए, ये बिल्कुल गलत बात है, ये कहीं ना कहीं दोहरापन हो रहा है, अमीरों के साथ कानून दूसरे रूप से काम कर रहा है, गरीबों के साथ कानून दूसरे रूप से काम कर रहा है, तो ऐसा दोहरा नीति का हम लोग खिलाफ करेंगे कि हम लोग बिहार की जिम्मेदारी हुआ है और हमारा सरकार से सवाल रहा है और सवाल सरकार से रहेगा। हमने जो पहल किया है, देखिए हमारे साथ न समय है न परिस्थिति है, हम चाहकर भी विरोध नहीं कर सकते स्टालिन का, हम चाहकर भी विरोध तेजस्वी यादव का नहीं कर सकते, चाहकर भी हम विरोध नीतीश कुमार का नहीं कर सकते, क्योंकि हमको फिर जेल में जाना पड़ेगा, एक मनीष कश्यप को न्याय न दिलवा के दूसरे भाई लड़ाई में बच जाएंगे, ऐसा काम नहीं करेंगे, लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे। मनीष नहीं तो वोट नहीं का जो हमने संकल्प लिया है, और हर घर घर तक जो मनीष कश्यप के चाहने वाले लोग हैं उनके दीवार पर एक पोस्टर आपको जरूर दिखेगा। मनीष कश्यप से जो भी मिलने जा रहे हैं जेल में, वो एक ही सवाल कर रहे हैं कि हमने बीजेपी के खिलाफ भी वीडियो बनाया उसने कुछ नहीं किया, नीतीश कुमार के खिलाफ भी वीडियो बनाया उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने तेजस्वी यादव के खिलाफ वीडियो बनाया उन पर एनएसए लग गया। देखिए सबसे पहली बात, एक बात को आपको समझना पड़ेगा, तेजस्वी यादव एक बिहार के युवा है, उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, उनके माताजी मुख्यमंत्री थी, और तेजस्वी यादव ये पहली बार नहीं है, तेजस्वी यादव इस बिहार के अंदर युवा नेता को पनपने देना नहीं चाहते हैं। आप बात कर लीजिए कन्हैया कुमार का, आप बात कर लीजिए संतोष कुमार सुमन जीताराम मांझी जी के बेटे का, जैसे ही जीताराम मांझी ने कंपटीशन कर दिए कि तेजस्वी यादव से पढ़ा लिखा ज्यादा मेरा बेटा है, देखिए आज उनको मंत्रालय चला गया। मनीष कश्यप की बात कर लीजिए, बिहार की तमाम युवाओं को वो बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमसे ज्यादा टैलेंटेड इस बिहार में बहुत सारे युवा हैं,
जो हमको बनने नहीं देंगे मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री। तो इसके लिए उनको दबा आबाद दबाने का मत यही एक है, उनके पास सत्ता, उनके पास पावर है, उनको जेल में डाल दो, उसका बाद रुक जाएगा।